EcoWorld Digital Classes, आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी सीरीज। हम इस वीडियो में चैप्टर वन कर रहे हैं इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और हम इस चैप्टर के दो टॉपिक्स, आप जानते हैं मैंने इस चैप्टर को 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिसमें से दो टॉपिक हम कर चुके हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, वो पिछली वीडियोज में है। आज वाली वीडियो में हम करेंगे कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड का हाल क्या था। अब फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड इज, अगर बेसिक शब्दों में बोलो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब तुम सोचोगे यार, पिछली वीडियो में आपने कहा था कि इंडिया सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया जहां इतनी अमीर थी, तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सीन कैसा था? और अगर ब्रिटिशर्स ही सारे कंट्रोल करते थे तो फिर हमारा तो कुछ भी नहीं होता होगा, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता होगा। यू आर पार्शली करेक्ट एंड पार्शली रॉन्ग। हमारे पास होता बहुत कुछ था और हमारे पास बहुत सारा पैसा आता भी था, लेकिन वो इंडिया में लगता था कि नहीं, वो अलग बात है। इस चीज को अब हम डिटेल में समझते हैं कि हमारे फॉरेन ट्रेड का स्टेटस कैसा था। ओके, सो इफ यू सी, मैंने बोर्ड पे चार पॉइंटर्स लिखे हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, इसकी चार खासियतें थी, चार पॉइंटर्स हैं। एग्जाम में भी इसको इसी तरीके से लिखना है। पहला, इंडिया बिकेम अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था कि इंडिया खदान है रॉ मटेरियल्स की, आज भी है, तब की तो बात ही नहीं थी। वी हैड सो मेनी रॉ मटेरियल, इतना रॉ मटेरियल हमारे पास, कॉटन, सिल्क, जूट, शुगर और भी सारे मेटल, सब कुछ है हमारे पास। तो ब्रिटेन ने क्या करा, हमारा फॉरेन ट्रेड इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम सिर्फ अपना रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करते चले गए, जिन्हें हम दूसरे शब्दों में प्राइमरी गुड्स बोलते हैं। गाइस, अब सोचने वाली बात ये है, कई बच्चे आप पूछ लेते हैं कि मैम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया कि हम अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? दिक्कत बच्चों ये है कि अगर सारा रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट होने लग गया तो इंडिया क्या बनाएगा और वो अपनी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे करेगा, और अगर इंडस्ट्री नहीं डेवलप हुई तो ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? बहुत बेसिक सवाल है। क्या तुमने आज की डेट में 2020 में सुना है कि इंडिया अपना सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती है? सारा, आई एम यूजिंग द वर्ड सारा, नहीं सुना होगा, करती है। हर किसी को अलाउड है थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करना ताकि हमको उससे प्रॉफिट मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो उपज होती है हम उसको उठा के पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं, अपने देश के लिए नहीं रखते। अब तुम ध्यान से सोचो, मान लो हमारे यहाँ वीट उगता है, अगर मैं वीट अपनी डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट मतलब विद इन इंडिया, अगर मैं उस वीट को मार्केट में आने ही ना दूं और सीधा उठाकर उस वीट को एक्सपोर्ट कर दूं, अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो क्या तुमको और मुझको वीट मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो बहुत महंगा और हो सकता है बहुत बुरी क्वालिटी का हो, राइट? तो यही चीज समझने वाली है कि कोई भी कंट्री अपना रॉ मटेरियल, अपने प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं करती, सारे थोड़ी बात करती है, बाकी वो उसको यूज करती है अपनी इंडस्ट्री, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली उस समय पे तो हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो उनका क्या सीन था, वो हमारा सारा रॉ मटेरियल ले जाते थे, और अगर पिछली वीडियो याद हो किस तरीके से ले जाते थे, बिल्कुल टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले जाओ, फ्री में था, फ्री में ही ले जा रहे थे। सो पहला क्या सीन बना, वी हैड बिकम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। और इसमें रॉ मटेरियल कौन कौन से आएंगे, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू वन मार्कर्स, रॉ सिल्क, वूल, शुगर, जूट, इंडिगो एक्सेट्रा, ये सारी चीजें थी जो हमारे यहां से एक्सपोर्ट होती थी। तो पहला तो ये। सेकेंड, फॉरेन ट्रेड में क्या सीन बना, वी बिकेम इंपोर्टर्स ऑफ फिनिश्ड गुड। अगेन, पिछली वीडियो में ही हमने डिस्कस किया कि फिनिश्ड गुड, ब्रिटेन क्या करता था, हमारे से रॉ मटेरियल ले गया, वहां जाके उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया और वापस हमारे ही यहाँ ले आया, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत बड़ी मार्केट थी जहां पे उस चीज को खरीदने वाले कंज्यूमर्स बैठे हुए थे। तो ठीक है, ये होता था, और ऐसा करने में भी वो एक गेम खेलते थे। वो गेम क्या था, जो उनके यहां से फिनिश्ड गुड का इंपोर्ट आता था उस पे भी टैक्स नहीं लगता था, और जब उस पे टैक्स नहीं लगता था तो वो हमारे लोगों के लिए सस्ता हो जाता था। तो जब हमारे लोग अपना हिंदुस्तानी स्वदेशी चीज को देखते थे और बाहरी चीज को देखते थे, तो बाहरी चीज का पलड़ा भारी हो जाता था, क्योंकि एक तो सस्ता और बेटर क्वालिटी, वाह यही ले, तो अपना जो हमारा स्वदेशी था वो सारा खत्म हो गया।
और हम इंपोर्ट करने शुरू हो गए। इमेजिन देखो, अब ये देखो क्या आयरनी है, क्या विडंबना है, कॉटन हमारा, सिल्क हमारा यहां से गया बाहर, बनकर आया और कई गुना महंगा होकर यही आके बिक रहा है। तो ये हालात हो गए। बाय द वे मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, इनफैक्ट आज भी ऐसा कई कंपनीज में, कई सेगमेंट्स में होता है जहां रॉ मटेरियल हमारा है वो बाहर जाता है, बड़ी अच्छी पैकिंग होती है, अच्छा सा ठप्पा लगता है एंड कम्स बैक, और हो सकता है यहाँ से 300 रुपए का गया हो और बिकता है वापस आके 3000 का। ऐसे कई ब्रांड्स हैं हु वर्क लाइक दैट। तो नेक्स्ट टाइम यू वांट टू बाय अ ब्रांड, मे बी आपको सोचना चाहिए कि बस लग ही रहा है कि बाहर से बनकर आया है, ये हमारा अपना स्वदेशी मटेरियल है जो बाहर गया है, बाहर से बनकर आया है। ऑफ कोर्स वो कई बार अपनी कारीगरी के पैसे देते हैं, लेकिन 300 रुपए की चीज 5000 में बिक रही है, 3000 में बिक रही है, कई बार ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा हाई एंड लगता है कि मतलब इतना डिफरेंस क्या करने की जरूरत है। बट एनीवेज दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो पहले तो पॉइंट क्लियर है, एक्सपोर्टर है रॉ मटेरियल का बन गया था और इम्पोर्टर बन गया था फिनिश्ड गुड्स का। थर्ड, ब्रिटेन का मोनोपोली कंट्रोल था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे। अब मोनोपोली शब्द आप जानते हैं, पिछले साल माइक्रो इकोनॉमिक्स में थी, इसका मतलब होता है वन होल सोल प्लेयर, एक है बस। तो ब्रिटेन ने इंडिया के फॉरेन ट्रेड का राजा था ब्रिटेन। इंडिया किससे ट्रेड करेगा, कितना ट्रेड करेगा, क्या क्या ट्रेड करेगा, ये ब्रिटेन के कंट्रोल और डिसीजन के अंडर था। इसीलिए जो इंडिया का सारा फॉरेन ट्रेड था वो मैक्सिमम ब्रिटेन के साथ था या फिर उन कंट्रीज के साथ जहां ब्रिटेन चाहता था, जैसे सिलोन, सिलोन इज ओल्ड नेम फॉर श्रीलंका, चाइना, ईरान जिसका पुराना नाम पर्शिया है, और इसके अलावा इट वाज विद ब्रिटेन, चाइना, पर्शिया एंड सिलोन, इसके अलावा इट वाज आल्सो विद म्यांमार। यस, आई वाज फॉरगेटिंग दैट, मैं बार बार बोल रही थी कि कौन सी एक और कंट्री म्यांमार के साथ जो अब बर्मा है, राइट। आवी क्लियर यहां तक क्लियर है। ओके, अब चलते हैं अगला। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास पैसा नहीं आया, इंडिया के पास एक्सपोर्ट करने से बहुत पैसा आया। वी जनरेटेड अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब खूब एक्सपोर्ट वाला प्रॉफिट। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट इज द प्रॉब्लम देन, अगर पैसा कमाएंगे तो दिक्कत क्या है। प्रॉब्लम ये थी कि हम इंडिया नहीं थी, इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो जो भी पैसा इंडिया का फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कहां जाएगा, कितना जाएगा, तो जो पैसा आ रहा है वो भी तो उन्हीं के हाथ में आ रहा है। तो जो वो पैसा आता था एक्सपोर्ट सरप्लस वो कहां लगता था, वॉर्स में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उधर लगा, वॉर्स में लगता था, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा चलाने में, इंडिया को रन करने में, बड़े बड़े बंगले बनाने में, क्वीन की ट्रेजरी में बहुत सारा पैसा चला जाता था। उसके अलावा क्या होता था, जो यहां पे कई चीजें उगती थी, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था वीट का, वो एज इट इज उठा के एक्सपोर्ट कर दी जाती थी क्योंकि इंडिया की चिंता कौन कर रहा था। तो जो डोमेस्टिक मार्केट था उसमें उस चीज की कमी हो जाती थी, मतलब ऐसा समझ लो अपने यहाँ आम उगते हैं और हम ही को आम खाने को ना मिले, क्यों, क्योंकि जी सारे आम उठ के जी बाहर चले गए, हम तो आम की शक्ल देखने को तरस गए, और हम में से कुछ थोड़े किस्मत वाले जिनके पास पैसे हैं बहुत ज्यादा वो आम खरीद पा रहे हैं क्योंकि आम इतना महंगा हो गया। सोचो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो कुछ ऐसा ही हाल था 1947 से पहले हमारे फॉरेन ट्रेड का। हम कई चीजें ऐसी थी जो हमारे यहाँ उगती थी लेकिन हम उनको यूज नहीं कर सकते थे बिकॉज हमारे अपने ही मार्केट में स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाती थी क्योंकि वो सारा सामान एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। ये हाल था इन लमसम हमारे फॉरेन ट्रेड का, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है। जब भी ये सवाल आएगा तो क्वेश्चन में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले फ्रेज को जरूर देखना। एक्चुअली मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि ये सारे जो मैं अभी टॉपिक्स करवा रही हूँ ये आगे डिटेल्ड चैप्टर्स भी हैं। जैसे अब हमने एग्रीकल्चर का टॉपिक किया, ये एक पूरा चैप्टर है, फिर इंडस्ट्री का किया, पूरा एक चैप्टर है, तो कई पॉइंटर्स ओवरलैप होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं आंसर लिखते हुए। जब आपको पूछा जाए व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, तब आप इन पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ रिपीट कर रहे हैं, पहला, इट बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल, बिकेम एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ब्रिटेन में जो चीजें बनी थी उनको इम्पोर्ट करवाती थी, मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटेन का किस पे, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे, एंड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट होता था जो इंडिया के लिए बिल्कुल यूज नहीं होता था, ब्रिटेन की अपनी चीजों में बहुत यूज होता था।
एक पॉइंट मैं यहाँ पे मिस कर गई हूँ, मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल। ये जो स्वेज कनाल है ये अगर आप ध्यान दें इससे जो सी जर्नी थी वो बहुत कम कर दी, मतलब उसी जर्नी को जिसको कई दिन कई महीने लग जाते थे पहले आपको कुछ ही टाइम में कवर होने लगी, और इसकी वजह से ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस है ये बहुत फास्ट हो गया। स्विस कैनाल की कुछ डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मैं इन डिटेल अलग वीडियो में करूंगी। ओके, थैंक यू।